नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम रेगुलर चर्चा कर रहे थे आपके सीईटी के सिलेबस को लेकर, समान पात्रता परीक्षा को लेकर, जिसमें ट्वेल्थ और आपका ग्रेजुएशन लेवल दोनों ही है, और दोनों में करीब करीब आपके ज्योग्राफी के कॉमन टॉपिक हैं, चाहे राजस्थान का भूगोल हो और चाहे से आपका भारत का भूगोल हो। हाँ, ये ज़रूर है थोड़ा बहुत मामूली सा इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन करीब करीब उतना का उतना ही मैटर दोनों में दिया गया है भूगोल का। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी जो टॉपिक है उन पर चर्चा की थी। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ रेगुलर एक्सरसाइज करके टॉपिक को, जिसमें मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में हम जान रहे हैं, क्योंकि पर्सन जहाँ से आते हैं उन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का आपका लेवल है, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, और जो आपको टॉपिक दिए गए हैं मैं उसी को लेकर के ही चर्चा कर रहा हूँ, उससे ना इधर बाहर जाता हूँ ज़्यादा, आपको ज़्यादा बढ़ा करके भी नहीं उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपके टॉपिक हैं मैं उसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपसे एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि अगर आपको MCQ क्वेश्चन की अगर आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक के जितने MCQ बनते हैं वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता रहूँगा, जिससे आप लोगों की क्रिएटिविटी बनी रहे, पर्सन किस प्रकार के बन सकते हैं ये आप लोगों को पता चले, और आप खुद भी उन प्रश्नों को अपने मैटर को पढ़ करके खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यही मैं चाहता हूँ, जिससे आप लोगों का सहयोग हो सके। मैं इतना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का सहयोग कर सकूं और मैं आप लोगों से वार्ता कर सकूं। स्टूडेंट अच्छे होते हैं। तो इसी के साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान, राजस्थान मृदा या राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की मृदाएं, कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, उन मृदाओं की विशेषता क्या है, और उन मृदाओं में कौन सी उपजाऊ है कौन सी नहीं है, उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, और कौन से क्षेत्रों में कौन से जिलों में मुख्य रूप से वो पाई जाती, उनकी विशेषताएं, उन पे सबको लेकर के चर्चा करेंगे, और मुख्य जो यहाँ की मृदा की जो एक समस्या है उन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर राज्य की मृदा को लेकर के जो बात कही गई है कि कैसे इसका बंटवारा किया गया, कि राजस्थान में जो मृदा है पूरे क्षेत्रों में फैली हुई है, अलग अलग उसका कलर कंपोजिशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो गठन है, ये सब अलग अलग है, उनकी उपजाऊपनता अलग अलग है, कौन सी मृदा किस फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ है, ये सारी बातें आज इसमें करने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर कि राज्य की मृदा को देखो, आपकी जो बुक है, देखो पहले मैं जब लैब असिस्टेंट का पढ़ाता था तो मैं NCERT की बुक से पढ़ाता था। हाँ, भारत की जब बात आएगी मैं NCERT और RBS दोनों बुकों को एक साथ लेकर के चलूँगा, जिसमें दोनों का मैटर आपके पास में पहुँच सके, लेकिन ये चूँकि राजस्थान का मैटर है तो राजस्थान बोर्ड की बुक को मैंने लिया है और उसी से आप लोगों के सामने उसका अध्ययन करवाया जा रहा है। तो यहाँ जो बात थी कि भाई राज्य की मृदा को रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है, तो यह 6 वर्गों में बांटा है। ठीक है, किसके आधार पर बांटा है, रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर राज्य की मृदा को 6 वर्गों में बांटा है। अब चलिए, इसको मैंने दो बार बोल दिया, आप सोच रहे हैं गुरु सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे मान लीजिए यही एक लाइन है और इसी से पर्सन बन जाए, और आप इसी चीज़ को आप देखते नहीं हो और यहीं से पर्सन बन जाए तो आप क्या करोगे। आपने सब कुछ पढ़ लिया, ये 6 हैं, ये नाम है, यहाँ है, इन क्षेत्रों में सब पढ़ लिया, लेकिन अगले ने पर्सन बनाने वाले ने उठा करके ही सीधा आपके सामने ये रख दिया कि राज्य की मृदा को इस आधार पर कितने वर्गों में बांटा, तो फिर अपने ये आधार ही नहीं पढ़ा तो आप घूमते रहोगे वहाँ, कोई 6, कोई 7, कोई 5, कोई 4, ऐसा नहीं। जो चीज़ें देखो बुक में दी गई हैं वहाँ से आप जो पढ़ रहे हो वो तो एकदम से सेलेक्ट पढ़िए, उसको तरीके से पढ़िए। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि भैया राज्य की जो मृदा अर्थात राजस्थान की मृदा को रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर 6 वर्गों में बांटा, ये बोर्ड की बुक कहती है, उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं।
अब वो छह वर्ग कौन कौन से हैं, देखिए मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थल को आप जानते ही हैं, मरुस्थलीय मृदा सीधी सी बात है लाल पीली मृदा है, कलरफुल मृदा है, ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मृदा है, लेटेराइटीकरण होता है, ठीक है, मिश्रित लाल व काली मृदा है, मिश्रण है इसमें किसका, लाल लाल का भी और काली मृदा दोनों का इसमें मिश्रण पाया जाता है, इसलिए लाल काली हो गई, ये मुख्य रूप से काली ही है, इसका रंग काला ही है, तो काली मृदा कहा, कछारी मृदा। तो इस प्रकार से छह मृदा वर्ग यहाँ विभाजित किए गए हैं राज्य में रंग गठन और उपजाऊपनता के आधार पर, जिनके नाम आपके सामने। अब इन प्रत्येक का, प्रत्येक मृदा वर्ग का अपन विशेषताएं और इनका विस्तार, इनमें कौन से तो खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन से जिलों में पाई जाती है, और बाकी जो इनकी विशेषताएं दे रखी है वो बिल्कुल आपके सामने आने वाली हैं। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें और पूरा देखें, ठीक है ना, कभी भी स्किप नहीं करें, क्योंकि इसमें मैंने कोई इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता, मेरा काम होता है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों तक पहुंचना बस, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। मैं ना मैं कुछ और चलाता हूँ, बस ये ठीक है कि मन करता है कि बच्चों को, मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उसी क्रम में हम बात कर लेते हैं, अब इन प्रत्येक की विशेषताओं की हम बात करेंगे। तो अब बात कर लेते, देखिए अपन कंटिन्यू अपने जो छह मृदाएं, उन छह मृदाओं की विशेषताओं के और उसके विस्तार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, और ये प्रत्येक चीज, प्रत्येक पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मरुस्थलीय मृदा है कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, या राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अब राजस्थान के पश्चिमी भाग में तो पाई जाती है, ये तो दिशात्मक आपको बता दिया गया, लेकिन कौन कौन से जिलों में पाई जाती है ये बातें और इसमें बताई गई है। तो देखिए जालौर बताया, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, ये जो जिले हैं करीब कितने हो गए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब राज्य के 8 जिलों में कौन सी मृदा का प्रसार है, मरुस्थलीय मृदा का। ये 8 जिले पश्चिमी राजस्थान के हैं, और पश्चिमी राजस्थान बोलोगे तो आपको ये थोड़े नाम याद रखने पड़ेंगे, और इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहीं है ही मरुस्थल का प्रसार, इसलिए यहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। ये कम उपजाऊ है, बिल्कुल सही बात है, कम उपजाऊ है, क्योंकि उसमें इस प्रकार के तत्व है, तत्वों की मात्रा ही कम होती है जिससे उसकी उपजाऊपनता बढ़े। मुख्य बात इसमें नमी ही नहीं होती, क्योंकि ये इसमें जल धारण करने की जो क्षमता है वो भी कम होती है, और इस मृदा में लवणों की मात्रा अधिक होती है, तो ये सारे के सारे मुख्य कारण बन जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि ये इस मृदा का जो निर्माण होता है ना, वो ज़्यादा करके इस मृदा के निर्माण में सर्वाधिक जो कारक बनता है वो है भौतिक कारक है। तो ये पूछ लिया जा सकता है आपसे कि अधिक तापांतर व भौतिक अपक्षय इस मृदा के प्रमुख निर्माणक तत्व हैं। अब पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस मृदा के अधिक तापांतर व भौतिक अपक्षय प्रमुख निर्माणक तत्व हैं। अब देखिए इसी लाइन को देखो, आपके सामने उठा लिया और इसी से प्रश्न बना दिया। अब आपको देखना क्या है, मरुस्थलीय मृदा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अधिक तापांतर व भौतिक अपक्षय, क्योंकि यहाँ जैविक तो है ही नहीं, ना तो वनस्पति है, ना इतने जीव जंतु हैं, मुख्य रूप से वनस्पति चाहिए, तो यहाँ जैविक आएंगे कहाँ से, भौतिक ही हैं। यहाँ तापमान दिन में ज़्यादा रहता है, शाम को कम हो जाता है काफ़ी, फिर यहाँ हीट बढ़ती है तो फिर एकदम से ठंड होती है शाम को, तो ये सारा प्रोसेस यहाँ लगता रहता है, और उसी की वजह से वायु चलती है, मिट्टी को उड़ाती है, मिट्टी का स्थानांतरण कर देती है, वो भी इस क्षेत्र की विशेषता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तभी इसने कहा कि अधिक तापांतर व भौतिक अपक्षय
इस मृदा के प्रमुख निर्माणक तत्व हैं। तो बस यही पूछ लिया जाता है कि अधिक तापांतर व भौतिक अपक्षय निम्न में से किस मृदा के प्रमुख निर्माणक तत्व, बस इतनी सी बात होती है और यही तथ्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ें तब आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए कि पढ़ किसको रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। यही तो होता है कि ऐसे आप पढ़ते रहते हो, पीछे का आप ध्यान नहीं देते कि रिलेटेड किस से है, पर्सन वही बन जाता, ख़त्म वही हो जाता, आपने पढ़ भी लिया, रह भी गई। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है विशेषताएँ। अब इस मृदा की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 ये प्रमुख विशेषताएं दी हैं। क्या क्या दी हैं? देखो, निर्माण भौतिक अपक्षय से होता है, बिल्कुल होता है, तापमान है, फैक्टर डालता है, यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, फैक्टर डालता है, कभी कभी नमी मिलती है वो भी फैक्टर डालती है कभी कभी। तो ये सारी दशाएं क्या है, भौतिक हैं, तो इन्हीं की वजह से किस इस मृदा का निर्माण होता है। इसलिए क्या कहा, निर्माण भौतिक अपक्षय से होता है, किसका, इस मृदा का बताया। देखिए, मृदा पवनों द्वारा स्थानांतरित होती हैं, बिल्कुल होती हैं, यानी कि इस क्षेत्र में मृदा का जो सर्वाधिक स्थानांतरण होता है ना, वो किससे होता है, पवनों से होता है। तो आप देख लीजिए, यही पर्सन है, आपको MCQ ज़्यादा देखने की पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इस इनको रेगुलर पढ़ लोगे, अपने आप ध्यान रह जाएगा। जहाँ तक कोशिश होती है, मेरे सामने आता तो मैं उसको वहीं बना देता हूँ कि मृदा पवनों द्वारा स्थानांतरित होती है। निम्न में से कौन सी मृदा पवनों के द्वारा अधिक स्थानांतरित होती है? तो कौन सी होती है भैया? मरुस्थलीय मृदा होती है, क्योंकि इसकी विशेषता भी यही है, खूब आंधियाँ चलती हैं, मिट्टी चलती रहती है। आप लोग देखते हो कई बार कि इधर से सड़क जा रही है, आंधी आई, तूफान आंधी आई, उसके साथ में मिट्टी बह करके आई, मिट्टी उड़ करके आई, टीला बना के चली गई, फिर शाम को आते समय यही पता नहीं चलता कि अपन इसी रोड से आई थी, क्या रोड कहाँ है। तो ऐसे ऐसी परिस्थितियाँ हैं यहाँ। नेक्स्ट है कि उपजाऊ तत्व कम व लवणता अधिक होते हैं। भैया बिल्कुल सही बात है, उपजाऊ तत्व कम होते हैं, ठीक है, यहाँ तो उपजाऊ बनता थोड़ी सी नमी आने की वजह से बढ़ी, इंदिरा गांधी नहर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ उपजाऊ तत्व है ना, बिल्कुल कम है, क्योंकि प्राकृतिक दशाएं ऐसी ही व्याप्त है इस क्षेत्र को, इसलिए ये क्या करें। और लवणता अधिक है, बिल्कुल लवणता खूब पाई जाती है, अच्छे से पाई जाती है, पानी पी लीजिए ऊपर का, नमक का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, और भी नमक के अलावा और भी होते हैं। जल धारण क्षमता कम होती है, किसकी कम होती है, मरुस्थलीय मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। दूसरी मृदा की बात कर लेते हैं जिसका नाम है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का मतलब है कि इसमें लोहांश की मात्रा उपस्थित होती है और उसी की वजह से इसका कलर जो है लाल पीला मिलता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं कि कौन से जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। चलिए, ये तो ठीक है, ये तो विस्तार है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, 3-3 जिले दे दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन करके पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। विशेषता की बात कर लेते, इसमें कुछ विशेषता, अच्छी सी विशेषता आएगी जिस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए कि उपजाऊ तत्वों की कमी होती है तो इस मिट्टी में नहीं होते तो नहीं होते, क्योंकि वहाँ की जो स्थलाकृति है उस स्थलाकृति में किस प्रकार की चट्टाने और किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं हैं वो सब मिलकर के उपजाऊपनता को बढ़ाती हैं घटाती हैं, तो वो ऐसी ही परिस्थिति में है, इसलिए नहीं होता। देखिए, अब मुख्य कारण देख लीजिए, ये आपसे पूछ लिया जाए कि यह मृदा ग्रेनाइट सिस्ट व निस चट्टानों के विघटन से निर्मित होती है, तो निम्न में से कौन सी मृदा का निर्माण ग्रेनाइट सिस्ट व निस चट्टानों के विघटन से होता है? ये आपको ध्यान रखना, ये लाइन है ना, ये आपको पूरी ध्यान रखनी है, एक एक दो दो बातें हैं सब में। तो कौन सी मृदा से ग्रेनाइट शिष्ट व निस चट्टानों के विखंडन से मृदा का निर्माण होता है, तब आपको देखो ये ध्यान रखना होगा, लाल पीली मृदा। ये आप कैसे भी अपने हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कमी किसकी होती है? चूना
और नाइट्रोजन की कमी होती है। कौन सी मृदा में? लाल पीली मृदा में चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इसमें देखो कलर कंपोजिशन कहाँ से बन रहा है? लोह अंश के कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल पीला होता है। जब ये लोहा है मृदा में मिलता है, मृदा में होता है, तो इसका कलर थोड़ा सा लाल पीले के रूप में होता है। आप ऑक्साइड्स के रूप में उसको देख भी सकते हैं, जंग लगती है वो भी देख सकते हैं। अब मुख्य सी विशेषता है कि मूंगफली व कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। मूंगफली और कपास के लिए, दोनों के लिए बताइए, क्योंकि काली मृदा तो कपास के लिए भी तो है। यहाँ दोनों बात कही है, कौन सी के लिए? मूंगफली और कपास के लिए। दोनों को एक साथ संयुक्त करके पूछ लिया जाए, मुख्य रूप से मूंगफली व कपास के लिए उपयुक्त मृदा है कौन सी? है लाल पीली मृदा है। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं। तीसरी जो मृदा है वो है लेटेराइट मृदा। इसमें लेटेराइजेशन की क्रिया तो होती है, इसीलिए इस लेटेराइट मृदा है। और ये डूंगरपुर उदयपुर के मध्य है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर व उदयपुर के मध्य व दक्षिणी भागों एवं दक्षिणी राजसमंद जिले में मिलती है। ये थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा लोकेशन इसकी, जो इस मृदा की कौन सी की? लेटेराइट मृदा की। यह है देखो प्राचीन स्फटिकीय क्रिस्टलाइन व कायांत्रित चट्टानों से निर्मित है। तो ये थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा कौन इसके द्वारा निर्मित है, लेटेराइट मृदा। और इसमें विशेषताओं में अगर हम देखते हैं तो देखो नाइट्रोजन की कमी रहती है, फास्फोरस की कमी रहती है, ह्यूमस की कमी रहती है। ह्यूमस की कमी रहती है कौन सी मृदा में? लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की भी कमी रहती है। इसमें लोह तत्व मिला रहता है, जिस कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें मुख्य रूप से खेती किसकी की जा सकती है? मक्का, चावल व गन्ने की इस मृदा में खेती की जाती है। नेक्स्ट है मृदा अपने मिश्रित लाल व काली मृदा, ठीक है, चार नंबर की मृदा है। छह मृदाएं अपन ने बताई थी, उस पर अपन चर्चा कर रहे थे रेगुलर। अब ये है मिश्रित है, लाल और काली दोनों का मिश्रण है, ठीक है। बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, मिश्रित लाल व काली मृदा का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब विशेषता इसकी देख लेते, देखो चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो होती है इसमें कमी, और पोटास होता है पर्याप्त मात्रा में। किसमें? मिश्रित जो लाल व काली मृदा है इसमें यह बताया गया है कि चूना और नाइट्रोजन फास्फोरस की तो कमी होती है, लेकिन पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। दूसरी बात है इसकी विशेषता, इसमें चीका की अधिकता होती है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, चीका की अधिकता होती है। उपजाऊ मृदा भी है कौन सी? मिश्रित जो लाल व काली मृदा है इसमें चीका की अधिकता होने के साथ में ये उपजाऊ मृदा भी, और इसमें कपास, गन्ना, मक्का की खेती की जाती है। किसकी? कपास, गन्ना और मक्का की खेती की जाती है मिश्रित लाल व काली मृदा वाले क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी पांचवें नंबर की अपनी जो मृदा है वो है काली मृदा, ठीक है। और ये काली मृदा आप जानते ही हैं, जो पठारी भाग है राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों, हाँ दक्कन का पठार जो है, पठारी जो क्षेत्र है, सॉरी दक्षिणी पूर्वी जो पठार है राज्य का, जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं, तो वो जिले हैं यहाँ कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। तो इन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, और जिसमें चीका प्रधान दोमट, देखो यहाँ है चीका प्रधान दोमट और यहाँ है चीका, इसमें चीका की प्रधानता है और इसमें है चीका प्रधान दोमट, ठीक है। चीका तो प्रधान है ही, बाकी मृदा और मिलती है इसमें, और किसमें? काली मृदा में। इसमें क्या है कि कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम और पोटास तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें कमी रहती है, नाइट्रोजन की इसमें कमी रहती है। किसमें? काली मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है, और कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, या चीका प्रधान है, यानी चीका तो इसमें प्रधान है, दोमट मृदा है ये। अब इसके लिए देखो ये उपयुक्त बात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, उपजाऊ मृदा है जिसमें व्यापारिक फसलों, कौन? जिसमें व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है या पैदावार
होती है। तो व्यापारिक फसलों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न इसमें बन सकता है। तो व्यापारिक फसलों में गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। तो इसको यहां से ले लिया जाए कि व्यापारिक फसलों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है राज्य की, तो काली मृदा उपयुक्त है। इस प्रकार से इसको प्रश्न बना दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कछारी मृदा, जो आपने 6 मृदाओं का जिक्र किया था उसमें लास्ट मृदा है कछारी मृदा, और यह मृदा राज्य के उत्तरी व पूर्वी जिलों, उत्तरी व पूर्वी जिलों जहाँ मैदानी भाग है, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, उन जिलों की बात है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, ये सारे जिले इसमें शामिल होते हैं जिसमें कछारी मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषता अगर देखें तो हल्के भूरे लाल रंग की होती है ये। ठीक है, कछारी मृदा हल्के भूरे लाल रंग की होती है और गठन में रेतीली दोमट प्रकार के, इसका जो गठन देखते हैं, कंपोजिशन जो देखते हैं इसका, तो उस गठन में ये रेतीली दोमट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखो उपजाऊ मृदा है, बिल्कुल सही बात है, उपजाऊ मृदा तो है, इन क्षेत्रों में काफ़ी कृषि होती है और अच्छी कृषि होती है इन क्षेत्रों में। इसमें देखो चूना, फास्फोरस, पोटास व लोहांश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में है ये चीज़ें। लेकिन इसमें किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की इसमें कमी रहती है। बाकी चूना भी इसमें पाया जाता है, फॉस्फोरस भी है, पोटास भी है, लोहांस भी इसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें कमी रहती है इसका, है ना। अब इसमें क्या है कि गेहूं सरसों कपास तंबाकू के लिए बहुत ही उपयोगी मृदा है, बहुत ही उपयोगी मृदा है। कौन सी? कछारी मृदा। किसके लिए? गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू के लिए बहुत ही उपयोगी। इन क्षेत्रों में जब कछारी मृदा पाई ही जाती है तो इन क्षेत्रों में जो फसलें होती हैं उसका आप सीनेरियो देख करके पता कर सकते हो कि यहाँ कौन सी फसलें इस मृदा में, ये मृदा कौन सी फसलों के लिए ज़्यादा अच्छी है, उपयुक्त है, जिसमें पैदावार अच्छा होता है। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि यहाँ मृदा की समस्याएं राज्य में, देखिए राज्य में मृदा की समस्याएं तो हैं, ठीक है, और मुख्य है अपरदन। तो मृदा पहला तो है मृदा अपरदन, ये देखो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र तो मुख्य रूप से वायु अपरदन से प्रभावित है, और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वो जल से अपरदित भाग है। ठीक है, चंबल और इधर आपको जो भी अपरदन मिलता है वो नदियों के द्वारा मिलता है, काफ़ी अवनालिका अपरदन इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक बात स्पष्ट सी थी और ये स्पेशल सी बात थी इसलिए मैंने लिखा है कि राज्य में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है। ये पूछा जाता है कि राज्य में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है, मृदा व उसकी उर्वरता के विनाश को देखते हुए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं ये ध्यान रखिएगा, रेंगती मृत्यु। क्या कहते हैं? रेंगती मृत्यु। बस यहीं से प्रश्न उठा लिया जाता है कि राज्य में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है, मृदा व उसकी उर्वरता के विनाश को देखते हुए इसे कहा जाता है रेंगती हुई, रेंगती मृत्यु कहा जाता है कि धीरे धीरे मृदा जो है वो मर रही है। अपरदन तो हो ही रहा है, साथ साथ में उसकी जो उर्वरता है वो भी नष्ट हो रही है, तो फिर वो किसी काम की नहीं है वो मृदा। हालांकि वो पड़ी रहेगी, वो तो है ही, कहाँ जाएगी, लेकिन वो पड़ी रहेगी, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, उसकी कोई उसमें कोई उर्वरता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी तो उस मृदा को आप कहोगे रेंगती मृत्यु। ठीक है, दूसरी जो समस्या है इसकी, मृदा उर्वरता के ह्रास की समस्या। देखिए ये तो अपने हाथ में है, मृदा उर्वरता के ह्रास की समस्या। अपने एक ही फसल चक्कर नहीं अपनाते, खूब सारा उसमें कीटनाशक, खूब सारा उसमें जितना भी आपको उर्वरक देना होता है, जितनी भी चीज़ें आपको डालनी होती है वो डाल देते हैं और एक ही प्रकार की फसल अपना लेते हैं, तो उससे क्या कि बहुत सारे पोषक तत्वों की धीरे धीरे उसमें कमी होती जाती है और धीरे धीरे फिर वो जो भूमि है, भूमि पर जो मृदा है उसमें उर्वरता कम हो जाती है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है, ये तो मानव द्वारा कृत है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं।
और आपको अगर इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चनों की अगर आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बता दें, ताकि मैं उसके लिए समय निकाल करके आप लोगों को बता सकूं।